ठीक, चलो देखते हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पेडिग्री एनालिसिस। देखिए पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है और इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बात पता होगी कि जब कभी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारी हिस्ट्री पूछता है। अगर मान लीजिए कोई आपको कोई भी बीमारी है और आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो जब डॉक्टर के पास जाते हो तो वो पूछता है कि क्या ये बीमारी आपके पेरेंट्स में थी। लाइक मान लीजिए आपको डायबिटीज होगी, तो डायबिटीज में वो सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, क्या ये आपके पेरेंट्स को भी थी, फिर पेरेंट्स को या आपके दादा दादी या नाना नानी में से किसी को एक को थी, यानी कि वो आपके पूरी हिस्ट्री पूछता है पीछे की, पेरेंटल हिस्ट्री, कि किसको थी या किसको नहीं थी। तो क्या है? एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है, उस हिसाब से देखता है कि क्या ये डिजीज इनहेरिटेबल है या नहीं। ऐसी डिजीज जो होती है उनका पूरा एक चार्ट बनाना क्या कहलाता है, पेडिग्री एनालिसिस। ये पूरी एक एनालिसिस कर रहे हैं, पूरी चार्ट बना रहे हैं कि भाई इनको थी, इनको नहीं थी, इनको थी, इनको नहीं थी। जैसे मान लीजिए आप अपनी बात कर लीजिए कि आप ये मम्मी पापा हैं, योर मदर एंड योर फादर, इनसे ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, इधर भी यही कंडीशन है ना, इधर आपके मदर फादर से आप आ गए, ठीक है, आपकी बहन होगी यानी सन एंड डॉटर। अब मान लीजिए फादर में कोई डिजीज थी जो सिस्टर में देखने को मिली, ऐसे ही अब ये पापा जो थे इनके अंदर जो ये डिजीज थी ये इनकी मम्मी को थी, यानी दादी को आपकी, तो दादी से आई पापा में और पापा से गई बिटिया में, यानी एक बार फीमेल को आई, फिर मेल को ये डिजीज आई, फिर मेल के बाद फिर फीमेल को आ गई। समझ में आई बात? तो डिजीज का क्या हो रहा है, डॉटर, ठीक है, तो डिजीज का क्या हो रहा है, जनरेशन में एक से मतलब एक सेक्स में गई फिर दूसरे सेक्स में अपोजिट सेक्स में जा रही है। ऐसे ही हो सकता है कि इनके फादर को इनकी मदर को और इनकी मदर से इनकी मम्मी में आई और मम्मी से ये डिजीज बिटिया में आ गई, यानी फीमेल टू फीमेल चल रही है डिजीज। तो हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं डिजीज की, और वो एनालिसिस क्या कहलाती है, पेडिग्री एनालिसिस। कोई दिक्कत इसमें नहीं। पेडिग्री एनालिसिस के लिए हमने अब इतना लंबा चार्ट में तो क्या फादर मदर और ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर करेंगे, नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पेडिग्री एनालिसिस के लिए हमने एक सिंपल सा काम किया। वो सिंपल सा काम क्या है, वो एनसीईआरटी ने दे दिया है सिंबल्स। एनसीईआरटी ने क्या करा है, सिंबल्स दे रखे हैं आपको, तो आप देखिए आपकी बुक में यहां पे सिंबल्स दे रखे हैं पेडिग्री एनालिसिस के, दिख रहा है सिंबल्स आपको, ठीक है। इसमें जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे मेल को इस तरह से दिखाया हुआ है, ऐसे ही फीमेल को इस तरह से दिखाया हुआ है, गोल कर दिया है, यहां रेक्टेंगल बना दिया है ना, इस तरह से ऐसे यहां सुपर सेक्स अनस्पेसिफिक है, पता ही नहीं है कि भाई सेक्स क्या है। यहां पे अफेक्टेड वालों को देखिए क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल थे कि भाई एक को डिजीज है या नहीं है तो उनको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। यहां से सिंबल आया मेटिंग का, मेटिंग मतलब शादी हो गई या बच्चे होने वाले तो मेटिंग, यहां मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ठीक है, कंसेंग्विनस मेटिंग मतलब रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग हो, बहुत ज्यादा क्लोज रिलेटिव थे उनके बीच शादी हो गई और फिर बच्चे होंगे तो डबल लाइन दिखा दी। नीचे क्या करा है, अब जो बच्चे हुए तो पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, नीचे की तरफ देखिए दिखा दिए, ठीक, अगर ये है तो ये फीमेल, देखिए ये फीमेल बर्थ हुई और ये मेल बर्थ हुई, यानी कि ये डॉटर है और ये सन है। अब यहां पे क्या वाला है, यहां देखिए तो ये दिखा रहा है कि यहां एक मेल था फीमेल थी, इनकी शादी हुई और उससे जो बच्चा आया वो कैसा है, अफेक्टेड है, और वो कैसा है, मेल, ठीक है। और यहां क्या है, यहां इन्होंने इस तरह से दे दिया और अंदर पांच लिख दिया, यानी पांच बच्चे आए हैं जो अनअफेक्टेड हैं ऑफ स्प्रिंग्स, क्लियर हो गई बात। ये इस तरह से एनसीईआरटी ने सिंबल्स बना दिए, ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब अगर आप यहां तक बात समझ गए हैं तो हम आपको दो चार बातें याद करने को बताएंगे, दो चार बातें याद करने के लिए देंगे कि आप इसे रट लीजिए, दो चार पॉइंट जिसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात आएगी,
आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पेडिग्री एनालिसिस के ही अंडर में आते हैं, और कुछ डायरेक्ट क्रॉस करना पड़ेगा और कुछ में पेडिग्री बना के दे देंगे और उसे पहचानना होगा कि सेक्स इंटर है कि ऑटोसो में। तो डिजीज कितने टाइप की, पहले ये समझ लीजिए, डिजीज या डिसऑर्डर्स, हमने आपको बताया कि कई तरीके के डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, नॉन डिसजंक्शन हो गया उस वजह से डिसऑर्डर आ गया, ठीक। तो डिसऑर्डर कई तरीके के हो सकते हैं। अब इन डिसऑर्डर्स के अलग अलग जीन हैं, हमने आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि जीन थेरेपी जो होती है बच्चे का सेक्स पहले ही पता कर लेते हैं उससे, एम्ब्रियोजेनेस जब आपका क्या करते थे एम्ब्रियोसेंटेसिस, और एम्ब्रियोसेंटेसिस में हम डिटेक्ट कर लेते कि कोई बीमारी तो नहीं है, और अगर बीमारी होती थी तो उसको हम पहले ही सही कर देते थे। एडीए डिफिशियंसी छोटी सी 4 साल की एक लड़की थी उसमें ये डिजीज सही करी गई थी, मतलब बर्थ होने से पहले पहले, ठीक। तो डिसऑर्डर्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है ऑटोसोमल डिसऑर्डर और दूसरा हो सकता है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डिसऑर्डर वो होते हैं जिन डिसऑर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑटोसोम्स। आपके पास दो तरीके के क्रोमोसोम होते हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम होता है और एक ऑटोसोम होता है, पता है ये बात तो बहुत पहले से जान चुके हैं। ऑटोसोम्स आपके 22 पेयर हो गए और सेक्स क्रोमोसोम एक्स या वाई अगर लड़का है यानी, और एक्स एक्स यानी लड़की, ये बात पता है, कोई दिक्कत नहीं। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स दो तरीके के हो सकते हैं, यानी अगर सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू बनने वाले जीन में कोई डिसऑर्डर है तो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, और अगर ऑटोसोम की वजह से कोई डिसऑर्डर आ रहा है तो उसे ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। अब ये डिसऑर्डर्स जो है ये भी अपनी दो फॉर्म में मिलते हैं, डोमिनेंट या रिसेसिव। भाई मेंडेलियन डिसऑर्डर है तो डोमिनेंट रिसेसिव की कंडीशन तो चलने वाली है, ये तो बताइए आप, एक डोमिनेंट कर सकता है जीन या रिसेसिव कंडीशन हो सकता है जीन। सेक्स लिंक में भी ऐसे ही दो तरीके के हो सकते हैं, पहली बात तो आती है एक्स लिंक, दूसरी आती है वाई लिंक, ठीक। कुछ ऐसे ट्रेट हैं जो सिर्फ वाई लिंक ही होते हैं, जैसे पुरुषों में गंजापन, लड़के जो हैं आप देखेंगे जब एजड हो जाते हैं तो अक्सर उनके बाल हो जाते हैं गंजे, ये बाल्डनेस का जो फैक्टर है लड़कियों में नहीं आता, लड़कियां जो है जब मरती हैं तो भी उनके चुकिया होती है, लेकिन आप आधे बाल निकाल चुके होते हो या पूरे बाल, समझ में आई बात है नहीं। तो ये डिसऑर्डर का जीन कहां है आपके, वाई लिंक, वाई लिंक। हाइपर ट्राइक्लोसिस, कानों के ऊपर बाल आना, लड़कों में ही दिखेगा आपको, लड़कियों के कानों पे बाल नहीं आते, लड़कों के कानों पे बाल आ जाते हैं, ये किससे के थ्रू जा रहा है, वाई, यानी कि ये डिसऑर्डर या ये जो कैरेक्टर है, कुछ ऐसे कैरेक्टर भी तो है, तो ये जो कैरेक्टर है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जा रहा है, लड़कों से लड़कों में ही जाएगा क्योंकि इसका जीन कहां है, वाई क्रोमोसोम। ऐसे जीन कहलाते हैं होलेंड्रिक जीन, होलेंड्रिक, होलेंड्रिक, होल मतलब पूरे, एंडर मतलब मेल, ये मेल टू मेल ही जा रहा है भाई साहब, होल एंड्रिक जीन। ऐसे ही ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट लड़कों में वो किधर जाएगा, वो फीमेल में जाएगा, वो फीमेल टू फीमेल ही जाएगा कि भाई वो मेल प्रोड्यूस करेगी और बच्चों को भी नहीं, लेकिन लड़के ऐसे काम नहीं कर सकते। क्या हुआ, ये कुछ जीन क्या है स्पेसिफिक, तो उसके जीन के कहां पे होंगे, एक्स एक्स क्रोमोसोम पे, समझ में आई बात है। ऐसे जीन क्या कहते हैं, सेक्स लिंक, और सेक्स लिंक में भी दो कंडीशन आएंगी, यही वाली ऑटोसोमल या रिसेसिव, एक्स लिंक ऑटोसोम या एक्स लिंक रिसेसिव, वाई लिंक ऑटोसोमल और वाई लिंक रिसेसिव। 12th क्लास तक हम लोगों को एक्स लिंक की कंडीशन पे ही जाना होता है और ज्यादातर हम लोग एक्स लिंक की रिसेसिव कंडीशन को ही पढ़ते हैं, इस बात को ज्यादातर की बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ज्यादातर हम यही पढ़ते हैं क्योंकि जब हम सीबीएसई वगैरह के क्वेश्चंस देखते हैं, नीट वगैरह के क्वेश्चंस देखते हैं, उसे सॉल्व करने के लिए हम टेंशन नहीं, तो टेंशन मत लो, एक दो बातें तो अपने दिमाग से निकाली, क्योंकि भाई वाई लिंक्ड जीन में दो कंडीशन हमने बता दी है, एक तो बाल्डनेस हो गया और हाइपर ट्राइकोसिस, इसके अलावा जीन कोई नहीं आएगा, ठीक, बात खत्म हो गई, एक दिमाग से निकल गया फिर तो, भाई वाई लिंक का कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा।
एक्स यूनिट में ज्यादातर रिसेसिव की कंडीशंस आएंगी। अभी हम यहां पे अब डिसऑर्डर्स लिख देते हैं कुछ, उन डिसऑर्डर्स के बारे में आप लोग देखिए और उनको याद करना, गेटो पहले याद कर लीजिए और फिर हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक, देखिए यहां हमने कुछ डिसऑर्डर्स लिख दिए हैं। सबसे पहले क्रोमोसोम डिसऑर्डर देखिए, यानी क्रोमोसोम्स के अंदर हो सकता है उनके अंदर क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ गया हो, या हो सकता है क्रोमोसोम्स के नंबर्स में कोई चेंज आ गया हो, उस वजह से कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। सबसे पहला आ गया क्रोमोसोम डिसऑर्डर। इसमें ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटीज की बात आती है, यानी ऑटोसोम्स के ऊपर क्या क्या हो सकता है, या सेक्स लिंक के ऊपर भी हम यहाँ पे बात कर लेंगे थोड़ी सी। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में होता है 21 ट्राइसोमी का मतलब हुआ आपके पास क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, एक क्रोमोसोम ये हो गया, दूसरा क्रोमोसोम ये जोड़ा, फिर एक दूसरा जोड़ा, फिर तीसरा जोड़ा, फिर चौथा जोड़ा, इस तरह से जोड़े में होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि तीसरे नंबर के क्रोमोसोम के ऊपर तीन जोड़े के बजाय तीन मिल गए क्रोमोसोम, तो ये इसे कहते हैं ट्राइसोम। तो इसमें क्या है, 21st ट्राइसोमी की कंडीशन आएगी, यानी 21वें क्रोमोसोम्स के ऊपर तीन हो जाएंगे, दो की जगह तीन मिलेंगे, इसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, उनके बारे में डिटेल स्टडी अलग करेंगे सिंड्रोम्स की, लेकिन यहाँ पेडिग्री एनालिसिस में पहले हम सिर्फ ट्रिक बता रहे हैं कैसे याद करना, कैसे रटना। एडवर्ड सिंड्रोम 18वीं ट्राइसोमी, 18th क्रोमोसोम्स पे यही कंडीशन मिलेगी ट्राइसोमी। पटाउ सिंड्रोम 13 ट्राइसोम, यानी 13वें नंबर के क्रोमोसोम के ऊपर यही ट्राइसोम हो जाएगी पटाउ सिंड्रोम में। इसके बाद आता है क्राइडुचेट। क्राइडुचेट क्या होता है, आपका 5वें क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जो होते हैं इसमें दो आर्म होती है, एक शॉर्ट आर्म होती है इसे पी कहते हैं, लॉन्ग आर्म होती है इसे क्यू कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन लीड क्या है 2019 में आ चुका है। तो शॉर्ट आर्म पी है और लॉन्ग आर्म क्यू। शॉर्ट आर्म 5th क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म में डिलीशन हो जाएगा, छोटा सा पार्ट कट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो छोटा बच्चा होगा ना वो रोएगा तो बिल्ली की तरह रोएगा। बिल्ली रोती है उसकी आवाज कैसे हो जाएगी, बिल्ली के बच्चे के रोने की जैसे हो जाएगी, इसको कहते हैं क्राइडुचेट। ये किसकी वजह से हो रहा है, डिलीशन इन शॉर्ट आर्म ऑफ 5th क्रोमोसोम। समझ में आएगा क्या, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे थे ऑटोसोमल। अब सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि हो सकता है आपका टर्नर सिंड्रोम में वाई क्रोमोसोम ही गायब हो गया, यानी कि 44 प्लस एक्स वाई होता है, यहां वाई क्रोमोसोम भी गायब हो गया, एक्सओ की कंडीशन आ गई, तो 45 विद एक्सओ, मतलब 44 प्लस एक्स ओ कंडीशन, यहां सेक्स क्रोमोसोम में एक डिलीशन हो गया। ओ कहां है, ओ बताया नहीं था हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में, हम आपको ये बता चुके हैं कि नॉन डिस्जंक्शन होता है, कभी कभी क्रोमोसोम एक नहीं जाता है, मेल हेटरोगैमी फीमेल हेटरोगैमी सेक्स टर्मिनेशन होता है, तो उसमें याद में होता है, आप फिलहाल इसे याद रखिए। ऐसे ही क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, XXY यानी कि लड़की थी और Y क्रोमोसोम भी आ गया, सॉरी लड़का था और X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, तो गायनेंड्रोमॉर्फिज्म, यानी कि उसके ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाएंगे और बाकी फीमेल नस्ल के कैरेक्टर कुछ उसके अंदर आ जाएंगे, लड़के के अंदर लड़की के कैरेक्टर आ जाएंगे। समझ में आ रहा, तो ये कंडीशन सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड थी। ये सब क्या है, एबनॉर्मेलिटीज है, डिसऑर्डर ही तो है ये, भाई नॉर्मल कंडीशन तो है ना, आपको याद करना है ताकि आप आगे जब प्रेडिक्टिव एनालिसिस के क्वेश्चंस करो तो बहुत इजीली हो जाएगा, प्रेडिक्टिव एनालिसिस के क्वेश्चंस भी कराएंगे अगले वीडियो में। मेंडेलियन डिसऑर्डर में आता है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट में एल्कैप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फ्यूज्ड ईयर लोब्स, यानी ईयर लोब्स जो आपके कान के लोब्स होते हैं इस तरीके से होते हैं, लोब बना हुआ कुछ के कान इस तरीके से होते हैं सीधे जुड़े, ये कहता है फ्यूज ईयर लोब, ये फ्री ईयर लोब हो गया। समझ में आएगा, तो ये कंडीशन आपको समझ में आई, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ऐसे ही फिनाइल केटोन्यूरिया, ये सब ऑटोसोमल रिसेसिव के कैरेक्टर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं।
नहीं सीधा याद ही तो करना है यार, या तो सिर्फ याद करने के लिए एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फ्यूज येलो और पिनाकिटल यूरिया, ये सब याद करने के लिए ऑटोसोमल रिसेसिव प्रेडेटर मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ये क्वेश्चन यहां से आए इसलिए था। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट में पॉलीडेक्टाइल, उंगलियां जो है ये पॉली हो जाएंगी, छह उंगलियां, डेक्टाइल मतलब डिजिट्स छह हो गए, ब्रैकेटेक्टाइल कम हो गई चार ही रह गई छह। हंटिंगटन्स डिजीज एक और डिजीज होती है। ऐसे ही अब आते हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, डोमिनेंट कंडीशन नहीं बता रहे, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव की कंडीशन बता रहे हैं। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, डुचेनर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक, ये तुम्हारे क्या हो गए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। हीमोफीलिया में क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में देखा गया और पता चला कि साहब इनकी फैमिली जो थी क्वीन विक्टोरिया की, उसमें ये देखा गया कि ज्यादातर बच्चे जो इनके हो रहे थे नाती पोते बच्चे और उनके ऊपर वाले, पूरा पेडिग्री एनालिसिस जब की गई तो पता ये चला कि साहब इनके अंदर एक कैरेक्टर है कि जब इनका खून बहना शुरू होता है, कट लग गया खून बहना शुरू होता है तो बहुत देर से यह बहता ही रहता है, खत्म हो जाते हैं लोग उसी के बहने से, क्योंकि इसमें हीमोफीलिया में क्या होता है आपके अंदर एक ऐसा जीन डिसऑर्डर होता है जो प्रोटीन के कॉगुलेशन वाला प्रोटीन होता है, हमारे प्रोटीन ब्लड कॉगुलेशन के लिए 13 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है जिसमें से ये 9 और 11 फैक्टर को ये नहीं बनाता है। जब फैक्टर से नहीं बनाएगा, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन से नहीं बना रहा है तो ब्लड बहुत देर से या क्लॉट ही नहीं होगा, जिसकी वजह से हीमोरेज बहुत ज्यादा तुम्हारा जो है ब्लड लॉस हो जाएगा, जब ब्लड लॉस ज्यादा हो जाएगा तो तुम मर सकते हो। तो ऐसे डिजीज हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस, आपका रेड और ग्रीन में डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा, सिग्नल के ऊपर गया पता चला तुम्हें लग रहा है हरा है, तुम निकल गए चालन कट गया, तो हाँ कलर ब्लाइंडनेस ही होता है। कलर ब्लाइंडनेस का जो जब मेरी ज्वाइनिंग हो रही थी तब वहाँ पे भी कलर ब्लाइंडनेस का रेड टेस्ट हुआ था, तो उसमें पता करते हैं कि भाई आपके कलर आपको पता भी है क्या रेड और ग्रीन में डिफरेंस, तो रेड कलर के ऐसे स्पॉट्स बना देते हैं और उसमें ग्रीन कलर से 9 लिखा हुआ होगा। अब तुम रैंडम देखोगे तो तुम्हें पता ही चलेगा कि 9 लिखा है, थोड़ा सा और से देखोगे तुम्हें 9 अलग से दिखेगा अगर तुम कलर ब्लाइंड नहीं हो, और कलर ब्लाइंड हो तो तुम्हें यह दिखेगा ही नहीं कि 9 लिखा हुआ है। ऐसे ही ग्रीन कलर के स्पॉट्स होंगे उसमें रेड कलर से जो है 9 लिखेंगे। अच्छा जिसको तुम रेड ग्रीन में जब डिफरेंस ही नहीं कर पाओगे तुम्हें दिखेगा ही नहीं, तो इस तरह से तुम्हारा टेस्ट होता है कलर ब्लाइंडनेस का। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात में तुम्हें जो है धीमी रोशनी में दिखेगा ही नहीं, तो कैसे पता लगेगा कि सेक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल है, क्या डोमिनेंट है, तो अब हम इस चीज को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहां आपको पूरे डिसऑर्डर समझ में आ गए, सारी चीजें आपने ये पढ़ ली कि कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या काम होंगे, इनके बारे में डिटेल वर्जन अलग पूरी पूरी वीडियोस हैं, वो पूरी वीडियोस आएंगी, लेकिन इसका पूरा जो है ये मैं आपको अभी बता दिया है, ठीक। और अभी इसके बारे में भी और डिटेल वर्जन की बात करेंगे, मतलब हीमोफीलिया कैसे होता है, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया में क्या रिलेशन है, ठीक है, ये भी बताएंगे। क्वेश्चन पूछेगा सिकल सेल एनीमिया, आपको पहले ही बता चुके हैं सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, सिकल शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड का वैलिन आ रहा है सिक्स पोजीशन के ऊपर, तो या वैलिन की जगह ग्लूटामिक एसिड आ रहा है जो बीटा चेन है उसमें डिफरेंस आ रहा है, अगर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है तो ये कैसा सिकल शिफ्ट हो जाता है स्ट्रक्चर, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, आदमी मर जाता है। तो ये सारी कंडीशन जो है आपको याद करना, याद कर लेंगे, इतना याद करिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।